नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन को देखा था कि कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते थे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज के हम इस वीडियो में समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का इस्तेमाल यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग मैपिंग के लिए करते हैं। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के इस्तेमाल से हम लोग मैपिंग करते हैं, पोजीशन को मैप करते हैं। साथ साथ हम लोग अगर कोई क्लोनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग उसको देखेंगे और देखने के बाद उससे संबंधित जो सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं कुछ सवाल लेके हम इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं। मैपिंग ऑफ अननोन सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय ब्रेकिंग इनटू पीसेस टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लोकेशन को पता कर सकते हैं और इसका उपयोग हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग क्लोनिंग के दौरान अपना सही क्लोन हुआ है या नहीं उसका इस्तेमाल हम लोग रिस्ट्रिक्शन मैपिंग मेथड करते हैं। तो पहले उसको हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि अगर हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है और जिसका साइज कितना है, 4 KB और 6 KB, टोटल आपका 6 KB का क्या है, साइज है। और 6 KB का साइज है और पाएंगे कि अगर हम उसको ई को R1 से डाइजेशन करें, लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट है और हम उसको ई को R1 से डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमने डीएनए फ्रेगमेंट को ले लिया है अपेंड ऑफ ट्यूब में और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने डाल दिया है और डालने के बाद आप जेल चला के उसको देख रहे हैं कि कितने साइज का बैंड आपको मिला। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 साइज का बैंड मिला, एक 4 KB का मिला और एक क्या मिला, 2 KB का मिला। इसका मतलब हुआ कि सरल भाषा में उसको बोले तो इको R1 का एक साइट इसमें मौजूद है, इसके वजह से इको R1 के डाइजेशन के बाद हमको 4 KB का बैंड मिला और 2 KB का बैंड मिला। और एक और महत्वपूर्ण बात सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये लीनियर डीएनए था, अगर ये सर्कुलर डीएनए होता और उसमें एक इको R1 का साइट रहता तो हमको सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट मिलता जो कि 6 KB का होता। यहाँ पर लिनियर डीएनए फ्रेगमेंट था इसलिए एक साइट मौजूद रहने के बावजूद भी हमको एक 4 KB का फ्रेगमेंट मिला और दूसरा क्या है, 2 KB का फ्रेगमेंट मिला। अब आगे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए सेम डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग अलग से कुछ डीएनए लेके आप HIND3 से डाइजेशन करते हैं, ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन है। और करने के बाद हम पाते हैं कि एक हमारा 5 KB का बैंड मिलता है और एक 1 KB का बैंड मिलता है। तो हो सकता है कि HIND3 का लोकेशन का साइट या तो इधर हो या तो यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है, दोनों में से एक जगह है। अगर यहाँ मौजूद है तो 1 KB का इधर मिला और 5 KB का इधर मिला। अगर यहाँ पर मौजूद रहा होगा तो 1 KB का ये और 5 किलो का जो किलो बेस पेयर का जो फ्रेगमेंट है ये वाला मिलता। अब ये हम पता करना चाहते हैं कि किधर HIND3 और किधर इको R1 है तो हम लोग डबल डाइजेशन करेंगे। डबल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप डीएनए में दोनों एंजाइम्स को डाल दीजिए साथ साथ, दोनों एंजाइम्स अपने अपने स्पेसिफिक साइट्स को काटेंगे और काटने के बाद आप जेल को चला सकते और जेल चला के देख सकते हैं कि आपको किस तरह का फ्रेगमेंट मिला। सपोज अगर हमने चला के देखा और हमने पाया क्या, 4 किलो बेस, 1 KB और इस तरह का फ्रेगमेंट मिला, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल इस तरह का पोजीशन रहा होगा तभी इस तरह की चीजें मिल सकती है। इको R1 के बाद HIND3 का साइट रहा होगा तो ये आपका जो 1 KB का फ्रेगमेंट, 1 KB का फ्रेगमेंट है ना, दोनों साथ ही मिलेगा। हम लोग यहाँ आपकी सरलता के लिए लिख दिए हैं, आप डिस्टिंग्स नहीं कर पाएंगे ये वाला फ्रेगमेंट है या ये वाला, तो आपको दो तरह का फ्रेगमेंट मिलेगा। तो दो तरह का फ्रेगमेंट मिलेगा इसका मतलब है कि 4 किलो के बाद ये पोजीशन रहा होगा।
दूसरी का स्थिति है कि अगर सपोज मान लीजिए कि हिमनदी का जो लोकेशन अगर पहले रहा होता तो क्या होता, तो उस परिस्थिति में आप पाते क्या कि अगर आप डबल डाइजेशन करते हैं इको आर वन और हिम थ्री का, तो उस परिस्थिति में आपको 1 KB 3 KB और 2 KB का फ्रेगमेंट मिलता। और कैसे 1, 2, 3 KB का फ्रेगमेंट मिलता, हिम थ्री है तो हिम थ्री 1 KB काट देगा। दूसरा चीज ये 3 KB का जो क्योंकि इको आर वन यहाँ से काटता तो ये 3 KB हो जाता, और बाकी ये जो होता आपका ये जो होता 2 KB का होता, तो टोटल 3 KB 2 KB और 1 6 KB और यहाँ से यहाँ 2 KB होता। तो ये डिपेंड करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट कहाँ मौजूद है, और इसका लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन पता करने के लिए हम लोग डबल डाइजेशन करते हैं और 2 एंजाइम्स को साथ साथ डाइजेशन करते हैं, और बेस्ड अपॉन क्या बैंड साइज आ रहे हैं हम बता सकते हैं कि उनका लोकेशन डीएनए सेगमेंट में कहां पर है। तो हमने यहां एक एग्जांपल के मदद से देखा। आइए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सवाल सीएसआईआर नेट 2019 में पूछा गया है। क्या कहता है, एक सर्कुलर प्लास्मिड 4 किलो बेस का है। मान लीजिए कि सर्कुलर प्लास्मिड हो गया आपका, नहीं, और इसका साइज कितना है, 4 किलो बेस पेयर है, 4 किलो बेस मतलब 400 किलो बेस पेयर का क्या है, लंबाई है। डाइजेशन विद द डिफरेंट एंजाइम्स गिवन बिलो, बैम वॉच वन है और बैम वॉच वन से आपको कितना मिल रहा है, इसका मतलब है कि बैम वॉच वन का एक साइट इसमें है, वेरी गुड, तभी तो इस तरह का 4 KB का मिला होगा। दूसरा टिप, बैम वॉच और हिंड थ्री दोनों से डाइजेशन करते हैं तो आपको 1 KB और 3 KB का मिलता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं इस तरह का यहाँ पर एक और साइट रहा होगा, इसके वजह से ये आपका 1 KB का ये मिला और ये बाकी जो है आपका 3 KB का ये सेगमेंट मिला। ये आपका बैम वॉच वन का साइट रहा होगा और ये आपका हिंड थ्री का साइट रहा होगा, तभी आपको 2 बैंड मिल सकते। अब देखिए क्या कर रहा है, बैम वॉच और इको आर वन को डाइजेस्ट कीजिए। अब सेम प्लास्मिड को आप क्या कर रहे हैं, बैम वॉच और इको आर वन से डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको देख रहे हैं कि 2.5 KB और 1.5 KB का मिलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2. अगर मान लीजिए बैम वॉच का साइट है तो यहाँ से 1.5 KB का रहा होगा डिस्टेंस, और यहाँ पर किस तरह का साइट रहा होगा, इको आर वन का साइट रहा होगा, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 और यहाँ से यहाँ तक का 2.5 साइट मिला, मतलब 2 फ्रेगमेंट आपको मिले, यहाँ भी 2 फ्रेगमेंट मिले क्योंकि ये 2 डिफरेंट से डाइजेशन किया। इस परिस्थिति में आप पूछ क्या रहा है यहाँ पर, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द यूनिक कटर्स इन द प्लाज्मा, यूनिक कटर्स मतलब कितने यूनिक साइट्स मौजूद हैं इसके एंजाइम के, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सब एंजाइम का एक एक साइट मौजूद है, बैमोचोन का 1, हिंड 3 का 1 और इको आर 1 का 1 साइट मौजूद है। अगर एक सवाल हमसे पूछ दिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि ये दोनों का लोकेशन आपस में कहाँ है, तो हम बता नहीं पाएंगे, हम बता तभी सकते हैं, उसके लिए हमको एक ट्रिपल डाइजेशन का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ट्रिपल डाइजेशन मतलब आपको तीनों एंजाइम साथ में लेना पड़ेगा, बैम वॉच, हिंड थ्री और इको आर वन, और उस चीज को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कि ट्रिपल डाइजेशन कर रहे हैं प्लास्मिड को और ये आपका क्या है, बैम वॉच वन है, सही बात है। दूसरा चीज है ये आपका जो है हिंड थ्री है, और इस तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका इको आर वन है। एक तो परिस्थिति ये हो सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आपको क्या क्या फ्रेगमेंट मिलेंगे, 1 KB का फ्रेगमेंट एक तो मिलेगा, और आपको ये 0.5 KB का भी एक फ्रेगमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, और बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन हुआ 2.5 KB का फ्रेगमेंट आपको मिलेगा। अगर ऐसा आपको मिलता है तो हम लोकेशन बता सकते हैं कि बैम वॉच वन के बाद हिंड थ्री है और हिंड थ्री के बाद इको आर वन है,
सपोज दूसरा भी केस हो सकता है, मान लीजिए कि अगर ऐसा है और आप पा रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ बैम वॉच वन का साइट है और यहाँ पर क्या है हिंड थ्री का साइट है आपका, और आपका इको आर वन का साइट क्या है बीच में ही है, इको आर वन का साइट क्या है आपका बीच में नहीं, तो इस परिस्थिति में आप पाएंगे, कहने का क्या मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 0.5, अगर यहाँ से आते एक है तो 0.5 होगा, तो आपको मिलेगा क्या क्या फ्रैगमेंट, एक तो 3 केबी का फ्रैगमेंट मिलेगा और 0.5 केबी का फ्रैगमेंट मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इन एंजाइम वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, कैसे पता कर रहे हैं हम लोग उसके फ्रैगमेंट साइज को चेक कर रहे हैं। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। ये सवाल दिसंबर 2017 में CSIR में पूछा गया है और आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक रिसर्चर है जो क्लोनिंग का काम कर रहा है और 630 बेस पेयर है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, तो जीन का जो सीक्वेंस है 630 बेस पेयर, ये बात मार्क करके रखना है, काफी महत्वपूर्ण चीज है कि डाउनस्ट्रीम ऑफ बैक्टीरियल प्रमोटर, प्रमोटर का लेंथ 500 है और ये 630 बेस पेयर जो है उसके बाद का है। तो मान लीजिए कि प्रमोटर है, प्रमोटर का जो साइज है क्या है 500 बेस पेयर है, 500 बेस पेयर है नहीं, और आपका ये जो जीन का साइज है 630 बेस पेयर है। द जीन सीक्वेंस आर आइसोलेटेड SMA1 जिसका रिकॉग्निशन साइट है एंड द क्लोन एट द SMA1 साइट लोकेटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम पर SMA1 साइट है वहीं पर आपको जीन को डाला गया है। वेरी गुड। और पूछ रहा है क्या कि द जीन सीक्वेंस इज सिंगल साइट ऑफ इको आर वन, जीन सीक्वेंस कंटेन, जीन के पास क्या है एक सीक्वेंस है 30 बेस पेयर का जो कि इको आर वन का साइट है डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडन। वेरी गुड। तो आपको पाएंगे कि आपका इस तरह का सीक्वेंस है इको आर वन का जीन में जो कि डाउन स्ट्रीम के जीन के मौजूद है और इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। अब बता रहा है क्या रिसर्चर स्क्रीन ऑब्टेन कोलनी बाय डबल डाइजेशन यूजिंग हिंड थ्री और इको आर वन, हिंड थ्री और इको आर वन से वो काटना चाहता है तो आपको कौन सी परिस्थिति मिलेगी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि 300 बेस पेयर, 30 बेस पेयर जो मौजूद है डाउन स्ट्रीम द स्टार्ट पुट, मतलब अगर जीन है तो जीन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और इसके बाद यहाँ क्या 30 बेस पेयर के बाद क्या है आपका इको आर वन, और इसको सरल भाषा में हम ऐसा लिखें लाइन से इस तरह से खींच देते हैं तो बिल्कुल पहले यहाँ पर क्या हो गया कि हेंड थ्री है, फिर आपका क्या है प्रमोटर है और प्रमोटर के बाद आप देखेंगे कि जीन का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर आपको क्या है इको आर वन का भी साइट है जो कि जीन में मौजूद है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 500 है और आप पाएंगे कि यहाँ से जो इसकी दूरी क्या है 30 बेस पेयर है, 30 बेस पेयर। अगर आप हिंड थ्री और इको आर वन से डाइजेस्ट करते हैं तो बिल्कुल हिंड थ्री यहाँ से करें, बाकी ये सब क्या है बैकबोन है, किसका वेक्टर का ये बैकबोन है तो आपको ये सेगमेंट मिलेगा, दोनों साथ मिलेगा हिंड थ्री यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेगमेंट मिलेगा, साथ साथ ये जो जीन का सीक्वेंस है जो बचा हुआ जो जीन का सीक्वेंस है जो इको आर वन से दूसरा इको आर वन ये यहाँ पर दिखाया गया है इको आर वन से वो भी कटेगा और उस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक 630 में से 30 घटा तो क्या हो जाएगा 600 बेस पेयर होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 530 बेस पेयर, 600 बेस पेयर और वेक्टर बैकबोन जिस पर की क्लोनिंग किया गया है ये वेक्टर बैकबोन हुआ। तो इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन मैपिंग से है ना आप चीजों को पता कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे भी सवाल को देखते हैं। अब देखते हैं एक दूसरा सवाल है, पूछा गया है 1 KB फ्रैगमेंट, ये भी CSIR दिसंबर में पूछा गया 4 नंबर का सवाल है, काफी सिंपल सवाल होते हैं आप इसको बना सकते हैं।
एक केबी का फ्रेगमेंट सिंगल बैमोचन साइट फिगर ई, ये जीन के बारे में बता रहा है कि एक बैमोचन का साइट है और जीन का क्लोनिंग है 5 से 3 बैमोचन का साइट है जिसको क्लोन किया गया एस्मा वन के बीच में। एस्मा वन के बीच में क्या किया गया, क्लोनिंग किया गया है जो 3 KB लेंथ का है। तो वेक्टर इस तरीके का है, यहाँ पर देख सकते हैं वास्तव में कि बिल्कुल इस तरीके से परिस्थिति रही होगी और इसकी पूरी साइज क्या है 3 KB है और ये आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है और यही एस्मा वन के बीच आपका क्या है जीन का क्लोनिंग किया गया। किसका क्लोनिंग किया गया है, बिल्कुल ये फ्रेगमेंट को यहाँ पर डाला गया। नंबर्स ऑफ नन ऑफ द एंजाइम्स ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट, कोई भी नंबर्स ऑफ एंजाइम्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स नहीं है, अच्छी बात है। बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन ए सीरीज ऑफ डाइजेशन एंड पोटेंशियल क्लोन द प्रोफाइल आर गिवन। तो इस तरीके से अगर डाइजेशन किया गया तो आपको पता करना है कि आपका कौन सा जो क्लोन होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ आप देखते हैं, अब यहाँ हमने ये वेक्टर का बैकबोन ले रहे हैं, वेक्टर का ये क्या एक बैकबोन है, वेक्टर का बैकबोन है हमारा। स्मावन साइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्मावन साइट रहा होगा और यहाँ भी स्मावन साइट रहा होगा और बिल्कुल आप इसको डाल रहे हैं। तो पहली परिस्थिति की बिल्कुल आप यहाँ सही डाल रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं सही डाल रहे हैं। जीन को हम थोड़ा सा इस तरीके से मार्क करके डाल रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो हमने यहाँ जीन को इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर आपका पोजिशन क्या है, बैमवॉच वन का पोजिशन है तो यहाँ बैमवॉच का पोजिशन है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 0.8 है और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है 0.2 है नहीं, और ये पूरे की जो साइज है बैकबोन की जो साइज है करीब 3 किलो बेस पेयर ये साइज है जो यहाँ से जो स्मा वंश के बाद से यहाँ तक की साइज है। तो पहली स्थिति है कि अगर बैमवॉच वन से काटते हैं तो क्या परिस्थिति उत्पन्न, देखते हैं और क्या बोल रहा है। एक बैमोचन यहाँ भी साइट है और बैमोचन यहाँ पर भी साइट है, देखिए ध्यान से, बैमोचन यहाँ पर भी साइट है, क्लोनिंग साइट्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बैमोचन का साइट रहा होगा नजदीक में बैमोचन को। तो अगर बैमोचन से काटते हैं तो पहली परिस्थिति ये 0.8 KB का साइज का मिलेगा और एक आपको जो मिलेगा ये 3.3 KB और यहाँ 0.2 जो होगा दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरीके से आपको 800 बेस पेयर और 3.2 KB का फ्रेगमेंट आपको मिलेगा जो कि ये सही है। क्या मिस्टेक हो सकता है अगर ये दोनों स्मा वन से ही जुटा हुआ है, क्लोनिंग साइट स्मा वन है देख सकते हैं, तो एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। मान लीजिए कि अगर ऐसे ये आपका फ्रेगमेंट था, जुटने के लिए डायरेक्शन ये 5 से 3 था, अगर किसी तरीके से ऐसे जुट गया, उल्टा जुट गया और आपका 5 पोजिशन यहाँ पर है और ये क्या 3 पोजिशन यहाँ पर है, तो इस पजीजे से आप पाएंगे कि आपका बैमोचे का साइट यहाँ क्या होगा 0. क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर ये बैमोचे का साइट स्मा वन के बाद है तो यहाँ स्मा वन क्लोनिंग साइट हुआ और आपका यहाँ बैमोच वन का साइट रहा होगा। तो उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि आपको तो अगर आप इसको डाइजेशन करें, किसे डाइजेशन करें बैमोच वन से, तो यहाँ पर एक बैमोचे का साइट है और एक वहां पर, और ये दोनों की बेस पेयर की दूरी कितनी हो जाएगी 200 बेस पेयर नहीं, और ये आपका क्या हो जाएगा ये पूरा 3 और क्या हो जाएगा तो 3.8 KB। अगर ऐसा होता है तो ओरिएंटेशन सही नहीं है, नहीं प्रमोटर आपका इस डायरेक्शन में और जिन का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये कंस्ट्रक्ट आपके किसी भी काम का नहीं है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि सही होगा और आपके काम का होगा, प्रमोटर के बाद सही ओरिएंटेशन में जीन आपका बैठेगा तो आपकी ये परिस्थिति उत्पन्न होगी और आपका ये बी वाला क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT JAM, ICR, JNU, TFR, ISC या कोई भी MSc बेस्ड इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जो बायोलॉजी और लाइफ साइंस से संबंधित हो, तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरी जो पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होती है डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में होती है, जिन्होंने MSc और PhD NCBS TIFR से किया है, काफ़ी टाइम्स मेनी टाइम्स नेट क्वालिफाइड है, उन्होंने पोस्ट डॉक USA से किया है और
आप कभी भी हमारे यहाँ कोई भी नया बैच में सीएसआईआर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436। और अगर आप फ्री में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जीके बायोलॉजी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई नया वीडियो की आपको सूचना तुरंत प्राप्त हो और आपको इसको फायदा हो सके। आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।